हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वाईबी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों से जुड़े शब्द अंग्रेजी व हिंदी में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है शिशु। शिशु को इंग्लिश में कहते हैं बेबी। बेबी। नेक्स्ट है अगर बच्चा लड़की है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं बेबी गर्ल। बेबी गर्ल। नेक्स्ट है अगर बच्चा लड़का है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे बेबी बॉय। बेबी बॉय। नेक्स्ट है पालना। ये जो आप पालना देख रहे हैं उसे इंग्लिश में कहेंगे क्रिब। क्रिब। नेक्स्ट है चूसनी। ये जो चूसनी है उसे इंग्लिश में कहेंगे पेसिफायर। पेसिफायर। नेक्स्ट है झूला। झूले को इंग्लिश में कहेंगे स्विंग। स्विंग। नेक्स्ट है लंगोट। लंगोट को इंग्लिश में कहते हैं डायपर। डायपर। नेक्स्ट है बच्चों का नहाने का चोगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेबी बाथरोब। बेबी बाथरोब। नेक्स्ट है हुड वाला तौलिया, से इंग्लिश में कहते हैं हुडेड टॉवेल। हुडेड टॉवेल। नेक्स्ट है खिलौना। खिलौना को इंग्लिश में कहते हैं टॉय। टॉय। नेक्स्ट है गतिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं बीप। बीप। नेक्स्ट है दांत आने के समय चबाने का छल्ला, इसे इंग्लिश में कहते हैं टीथिंग रिंग। टीथिंग रिंग। नेक्स्ट है पहियेदार बच्चा गाड़ी, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रोलर। स्ट्रोलर। नेक्स्ट है बेबी वाइप्स, ये बच्चों को जो इससे साफ करते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं बेबी वाइप्स। नेक्स्ट है बच्चे का कपड़ा, से इंग्लिश में कहते हैं वंसी। वंसी। नेक्स्ट है झुनझुना। झुनझुना को इंग्लिश में कहते हैं रेटल। रेटल। नेक्स्ट है सोच का पात्र, ये बच्चों के लिए होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉटी। पॉटी। नेक्स्ट है लोरी। लोरी को इंग्लिश में कहते हैं लुलाबी। लुलाबी। नेक्स्ट है बच्चों की बोतल। बच्चों की बोतल को इंग्लिश में कहते हैं फीडिंग बोतल। फीडिंग बोतल। नेक्स्ट है दूध पिलाना। दूध पिलाना को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीड। नेक्स्ट है ऊंची कुर्सी। ऊंची कुर्सी को इंग्लिश में कहते हैं हाई चेयर। हाई चेयर। नेक्स्ट है मालिश करना।
मालिश करने के इंग्लिश में कहते हैं मसाज, मसाज। नेक्स्ट है बच्चों की जगह को इंग्लिश में कहते हैं नर्सरी, नर्सरी। नेक्स्ट है नवजात शिशु को इंग्लिश में कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी, और इसे न्यूनेट भी कहते हैं। ये एक मंथ के ओल्ड होते हैं। नेक्स्ट है शिशु, जो थोड़े छोटे होते हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंट, इन्फेंट। ये 2 मंथ से लेकर 12 मंथ ओल्ड होते हैं। नेक्स्ट है छोटा बच्चे, जो 1 ईयर से लेकर 3 ईयर ओल्ड होते हैं से इंग्लिश में कहते हैं टॉडलर, टॉडलर। नेक्स्ट है बच्चों का साबुन को इंग्लिश में कहते हैं बेबी सोप, बेबी सोप। नेक्स्ट है बच्चों का लोशन को इंग्लिश में कहते हैं बेबी लोशन, बेबी लोशन। नेक्स्ट है बच्चों के तेल को इंग्लिश में कहते हैं बेबी ऑयल, बेबी ऑयल। नेक्स्ट है बच्चों के पाउडर को इंग्लिश में कहते हैं बेबी पाउडर, बेबी पाउडर। नेक्स्ट है ये है बेबी कैरियर। नेक्स्ट है बच्चों के पानी पीने का कप, इसे इंग्लिश में कहते हैं सीपी कप, सीपी कप। अब आज की क्यूज देख लेते हैं। अब आप बताइए पालना और झुनझुना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट डाउन कमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।